भारतीय राजनीति में एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। सारे बड़े नेता मतदाताओं तक पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम एक बात यहाँ शुरू कर रहे हैं कि पिछली जो सरकार अभी वर्तमान की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से काम किया है और कहाँ तक पहुँच पाई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश मिश्रा जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या दृष्टि है इस सरकार के काम पर। इस देश की जनता में आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले एक नकारात्मक दृष्टिकोण इस भारत के अंदर, जब पूर्व में यूपीए की सरकार थी, वो पैदा हो रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगातार इन 5 वर्षों के अंदर जो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है, पूरे देश का, विश्व के अंदर जो नाम आगे बढ़ा है, उससे लोगों में एक जागरूकता आई है। बहुत सारे विषय ऐसे जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोग अपने सराहों पर बिठाएंगे। सबसे बड़ा विषय आता है इस देश का स्वच्छता का विषय। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं था। आपको बीच में कई ऐसे उदाहरण भी इस देश के अंदर आते हैं कि सिंगापुर के अंदर जब वहाँ के प्रधानमंत्री ने देखा कि चारों तरफ गंदगी थी और उन्होंने जब झाड़ू उठाकर सिंगापुर को साफ करना शुरू किया, तो पूरे देश के अंदर एक अलग जगी और सिंगापुर आज सबसे स्वच्छ देश के नाम से जाना जाता है। इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने इस स्वच्छता का विषय हाथ में लिया और देश की 80% जनता इस स्वच्छता को मिशन के रूप में लिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इस देश के लिए है। जो अभी स्ट्राइक की बात हो रही है, कितना प्रभाव आगामी चुनाव पर, मतदाताओं पर, जनता पर, जनमानस पर कितना हो रहा है? ये एयर स्ट्राइक लोगों के हौसले बुलंद कर रहा है। एक तरफ जब यूपी की सरकार थी, कई प्रदेशों में हमले हुए, हजारों हमारे युवा, हमारे परिवार के सदस्य को मौत प्राप्त हुई, लेकिन एक और जहां पर पुलवामा का, उरी का हमला होता है और उसका संपूर्ण जवाब देश की सरकार सत्ता देती है। अंदर घुसकर वहां पर एक व्यक्ति अपना हमारा हताहत नहीं हुआ और वहां पर हर प्रत्येक व्यक्ति को, वहां पर जितने भी आतंकवादी थे उनको मारकर वापस आना, इस तरह एयर स्ट्राइक जो करी, एयर स्ट्राइक में बारडोल जैसे उस क्षेत्र में जितने भी आतंकवादी, 5 आतंकवादी कैंप थे, उन कैंपों को उड़ाकर वापस आना और फिर अभिनंदन द्वारा, अभिनंदन ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके उनका F-16 का विमान गिराया और उसके बावजूद और वहां से उनकी सरकार, पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे के अंदर उसको वापस करना पड़ा। ये बहुत बड़ा देश के लिए अचीवमेंट है। पहले हमारा एक भाई गया था, वर्षों उसको लग गए उस क्षेत्र में और उसकी लाश आखिरकार उन्होंने, उस पाकिस्तान के लोगों ने भेजी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो अभिनंदन, हमारा भाई फौज एयर फोर्स का हमारे बहुत बड़ा अधिकारी, वो वापस आया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इससे देश की जनता में आत्मविश्वास जागा है कि नरेंद्र मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक ये आतंकवादी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा इस देश से और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, ये सही मानते हैं आप? मैं समझता हूँ कि आपने भी अगर अनुभव किया होगा कि पहले की जो प्रदेश देश के अंदर जो घटनाएं होती थी, उस वो कैसी घटनाएं होती थी, एक भी प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने नहीं दिया जाता था, देश की सेना को कोई कार्रवाई करने नहीं दिया जाता था। देश की सेना बोलती थी कि हमें आतंकवादियों से हमला करने की अनुमति दीजिए, लेकिन देश में बैठे ऐसे लोग थे जो सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, कि वो एक वर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए उन आतंकवादियों पर सरकार कार्रवाई नहीं करती थी। हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। चुनाव यहाँ भी लड़ा जाना है, लोकसभा की यहाँ भी सीटें हैं। बीजेपी फिर चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उसके पास हों, लेकिन हम एक बात करें कि जो नई सरकार आई है कांग्रेस की, कमलनाथ की, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कांग्रेसी सरकार ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं। उन्होंने कहा था हम रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, किसानों के 2 लाख के ऋण माफ करेंगे और बहुत सारे ऐसे उन्होंने वादे किए। ये सब झूठे साबित हुए। आपने भी देखा, वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 9 तारीख को पूरे देश प्रदेश भर में आंदोलन हुए कि जो जो उन्होंने वादे किए थे सब उसमें सब झूठे पाए गए। 5 हजार, 2 हजार, 2200, 2500, 11 हजार से ज्यादा किसी का अभी तक लोन माफ नहीं हुआ है। झूठे वादे कर ये कांग्रेसी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। जनता इनको सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव में यही मुद्दे होंगे प्रदेश के लिए? ये और मैं इसमें आप सभी जनता को आग करना चाहता हूँ, आप प्रतिदिन पेपर उठाइए, तबादला उद्योग बना के रख दिया पूरे प्रदेश के अंदर।
और यहां पर तीन तीन मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, सिंधिया जी हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। दिग्विजय सिंह सत्ता से बाहर होने के बाद भी पूरा हस्तक्षेप मध्य प्रदेश के शासन में उनका है। इससे समझ में आता है कि सरकार कोई कहीं रिमोट से चल रही है। जबलपुर में लोकसभा में जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देगी वो डंके की चोट पर जीतेंगे। आपकी संभावनाएं बनती दिख रही या पार्टी आदेश करेगी, क्या विचार करेंगे लोकसभा के लिए? पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी वो पार्टी का कैंडिडेट, हम सब मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे जरूर, 100% जीतेंगे, क्योंकि इतना आत्मविश्वास मोदी जी ने हम लोग सब कार्यकर्ताओं में भर दिया है। क्योंकि एक एक दिन, मैं समझता हूँ कि पूरे 5 वर्ष के अंदर एक भी दिन उन्होंने आराम से नहीं काटा और देश की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। ये बात हम कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश मिश्रा जी के साथ। आगे भी कई मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे, अभी तो चुनाव का लंबा दौर रहेगा। चर्चा चौक से